अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ला प्रेशर कुकर में। आधा लीटर दूध गरम करें, 1/4 कप पानी लें, आधा टीस्पून इसमें नींबू का फूल मिलाएं दूध को फाड़ने के लिए। नींबू का फूल घुलने तक मिक्स करते जाएं। दूध को एक बॉईल आ गया है, अब इस तरह से मिलाते जाएं चम्मच में ले लेकर दूध और फाड़ते जाएं, जिस तब तक कि पूरी तरह ये फट ना जाए। इसी तरह से ये प्रोसीजर करते जाएं। फटे हुए दूध को मलमल के कपड़े में डाल दें, पानी के नीचे इसे धो दें ताकि इसमें से नींबू का रस निकल जाए। अब इसको इस तरह से प्रेस करते जाएं और वजन इसके ऊपर रख दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद वजन के नीचे से इसको निकाल लें। पनीर हमारा बनकर तैयार है। आधा टीस्पून इसमें मैदा मिलाएं और इसको गूंदें 10 मिनट के लिए। गूंद गूंद के ये सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इसको 10 मिनट तक गूंद दिया है। अब इसके बॉल्स बना लें विदाउट क्रैक्स। इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए वरना ये टूट जाएंगे। पौना कप शक्कर डालें, 3 कप पानी मिलाएं। शक्कर मेल्ट होने तक बॉईल करें। शक्कर मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें पनीर बॉल्स डाल दें। अब इनको प्रेशर कुक करें सीटी बजने के बाद से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। रसगुल्ले प्रेशर कुकर में तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।